तो आज एक माँ का जिक्र मैं भी करना चाहती हूँ जिसको मुकद्दसा मरियम के नाम से जाना जाता है और वो हम सब के लिए इज्जत के लिए ताजीम के लायक है। तक अपनी माँ की कमी महसूस होती है तो इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उधेड़ उम्र भी हैं, व्हाटएवर द एज इज, हर उम्र में, उम्र के हर हिस्से में माँ की कमी महसूस होती है। सो मैं हर एक के लिए इत्मीनान तसली, खुदा का इत्मीनान और तसली मांगती हूँ, क्योंकि कोई शख्स वो इत्मीनान और तसली नहीं दे सकता है जो खुदा हमें बख्शता है। और दूसरी बात ये, जिनकी माएं हैं, जो हयात हैं, उनके सर पे मौजूद हैं, मैं यही कहूंगी कि दिल से उनकी कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, दिल से उनकी फरमाबरदारी कीजिए, क्योंकि जब एक दफा वक्त गुजर जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर सिर्फ यादें बाकी रह जाती हैं। सो महज होठों से नहीं, महज लफ्जों से नहीं, बल्कि अमली तौर पर करके दिखाएं कि आप अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, आप उनकी कदर करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं। महज लफ्जों से नहीं, बल्कि अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये करके दिखाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं। और मैं ये कहूंगी कि सिर्फ माँ से नहीं, बल्कि माँ और बाप दोनों से, क्योंकि खुदा का पाक कलाम 10 हुक्मों में से एक हुक्म हमें ये देता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। और याद रखिएगा कि इसमें आगाज बाप से होता है, कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। ये दिन तो मदर्स डे है, लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि माँ और बाप दोनों ही काबिल इज्जत हैं, काबिल ताजीम हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस जमीन पर एक इंसान की सूरत में रह रहा था, तो उसने हर वो काम हमें करके दिखाया जो हमें करने की जरूरत है। उसने जिंदगी के हर पहलू में वो सब कुछ अमली नमूना हमें करके दिखाया जो हमें भी करना चाहिए है। और एक खूबसूरत अमली नमूना जो उसने पेश किया, उसने आजमाइश पर भी गालिब आकर दिखाया और ये बताया हमें आजमाइश पे गालिब आना मुमकिन है। उसने फरमाबरदारी भी करके दिखाई और ये साबित किया कि इस दुनिया में रहते हुए भी फरमाबरदारी की जा सकती है। और उसने अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी की, अपने जमीनी माँ बाप की भी फरमाबरदारी। पहला मौजजा, आप में से कोई बता सकता है कि यीशु मसीह का पहला मौजजा क्या था? जी हाँ जी बिल्कुल, काना गलील में पानी को मैं बनाने का मौजजा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। आप जानते हैं कि किसके कहने पे? माँ के कहने पे किया। सो काना गलील में खुदावंद यीशु मसीह ने पहला मौजजा अपनी माँ के कहने पे किया। और हालांकि उसने ये कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है कि मैं ये करूं, लेकिन अपनी माँ के कहने पे उसने फिर भी किया। फिर भी माँ होते हुए, जताते हुए माँ ने ये स्टेप उठाया और अपने बेटे से ये मौजजा करवाया। और ईमान से उसने लोगों से ये कहा, उसके इनकार के बावजूद ये कहा, कहता है वैसे ही करो। और उन्होंने मटकों को पानी से भरा और वो पानी एक बहुत ही उम्दा किस्म की मैं में तब्दील हो गया। हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, माँ मरियम, मुकद्दसा मरियम सबके लिए इज्जत आज़ीम के लायक हैं, ये भी क्योंकि वो यीशु मसीह की माँ है। कोई भी किसी इंसान की माँ भी हमारे लिए इज्जत और ताजीम के लायक है, क्योंकि वो माँ है। सो उनकी इज्जत करना वाजिब है। 10 हुक्मों में से एक हुक्म भी ये है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। तो इज्जत करना बनता है, वाजिब है कि उनकी इज्जत की जाए। हम देखते हैं कि जब मिलने के लिए उसके घर गई तो लूका पहला बाब उसकी 42 आयत, अगर आपके पहला बाब और उसकी 42 आयत, जो ही अलिशबा ने मरियम का कलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। ये अलिशबा है, मरियम के कहने के मुताबिक अलिशबा से मिलने के लिए उसके घर गई
तो जैसे ही उसने सलाम पेश किया अलिश्वा को, तो अलिश्वा रूहुल कुद्स से भर गई। ये वो टाइम पीरियड था जब बैप्टिज्म अलिश्वा की जिंदगी में हुआ, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा अलिश्वा को मिला। बड़ा खूबसूरत एक स्टेटमेंट, एक बड़ी खूबसूरत बात मरियम के लिए बोलती है और कहती है कि तू औरतों में मुबारक है, पेज का फल मुबारक है। ये कहना कि तू औरतों में मुबारक है, सच बात है। हमारे यस्सु की माँ सच्चा मरियम मरियम औरत है जो बाकी सारी औरतों में से मुबारक है। गीत खुदा की हजूरी में गाती है, लूका पहला बाब उसकी 46 आयत देखिएगा। लूका की ही इंजील और उसके पहले बाब की 46 आयत 46 वर्स में देखिएगा जी। प्लीज आप में से कोई पढ़िएगा इसको। मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बुराई करती है और मेरी रूह मेरे मुनजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की बस्तहाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। थैंक यू सो मच। अलिश्बा ने मरियम की तारीफ में ये कहा कि तू औरतों में से मुबारक है, उनका फल मुबारक है। हम ये देखते हैं मरियम तारीफ सुनने के बाद अपनी तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि किसकी तारीफ कर रही है? जो गीत उसने गाना शुरू किया तो उसने किसकी तारीफ से शुरू किया? खुदा की तारीफ से किया। वो किसकी बड़ाई कर रही है? खुदा की बड़ाई कर रही है। और वो कहती है, कभी आपने पढ़ा है, देखिएगा फिर से पढ़िएगा। मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। जी हाँ जी, मेरी जान खुदावन की बड़ाई कर रही है। वो बल्कि वो खुद भी खुदा की बड़ाई कर रही है, खुद भी खुदा की तारीफ कर रही है, खुदा के नाम को ऊंचा कर रही है, खुदा के नाम को मुबारक कह रही है। और वो ये जानती है कि जो काम उसने किया है उस काम के इव्ज हर जमाना के लोग उसको मुबारक कहेंगे। और क्या काम उसने किया? आप मैं हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसने अपने आप को, अपने कवारेपन को, अपनी जिंदगी को, अपने बदन को उसने खुदा के हाथों में दे दिया कि वो उसके नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो सके। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि एक कवारी औरत एक बच्चे की माँ बन जाए जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि उसने खुदा की मर्जी के आगे अपने सर को झुका, खुदा की हजूरी में पेश कर दिया, और यही वजह है कि वो मुबारक कहलाई। और उसके बारे में ये कहा गया कि वो औरतों में से मुबारक है, हर जमाना के लोग उसको मुबारक कहेंगे। और आज के मदर्स डे है तो मैं उसी माँ को याद करना चाहती हूँ, उसी माँ को आज आपके सामने बयान करना चाहती हूँ कि क्यों वो मुबारक माँ है, मुकद्दस माँ है, क्यों उसकी इज्जत करना वाजिब है, क्यों उसको मुबारक कहना बनता है, वाजिब है कि उसको मुबारक कहा जाए। लेकिन मदर्स डे के मौका पर ही आज कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। सो हर वो शख्स जो खुदा के पाक कलाम को आज सुन रहा है, खुद भी इसको सुनिएगा, दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा जरूर। आप जब किसी को मिले खुदा के कलाम की बातें जरूर उनके साथ किया कीजिए। जो खुदा के कलाम के खूबसूरत मोती आपको मिलते हैं दूसरों के साथ भी उनको बांटा कीजिए। अगर किसी भूखे को कहीं से खाना मिलता है तो वो दूसरे भूखे को जरूर बताता है कि वहां से खाना मिल रहा है, जरूर वहां से जाके अपने लिए भी हासिल कर लो। और हम ईमानदार, जब हमें खुदा के पाक मन में से कुछ मिलता है, जब हमें उसकी रूहानी खुराक में से कुछ मिलता है, तो हमें दूसरों को भी बताने की जरूरत है। खुदा के कलाम के सुच्चे मोती दूसरों के साथ भी बांटने की जरूरत है। और मैं फिर दोबारा वहीं से शुरू करती हूँ जो मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले आपसे बयान की है कि कुछ बातें हैं जो क्लियर करने की जरूरत है। मरियम जरूर मुकद्दसा है, जरूर इज्जत के लायक है, जरूर
ऑनर के लायक हैं, ताजीम के लायक हैं, लेकिन सिजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए है। सिजदा, ताजीम सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे जिंदा खुदा के लिए है। मुकद्दसा मरियम के लिए भी नहीं है, मुकद्दस जरूर है, उसी तरह से मुकद्दस है जैसे मूसा है, अबरहाम है, जैसे इजहाक है, जैसे याकूब है। हम में से कोई उनके बुतों को सजदा नहीं करता है, हम में से कोई उनकी बड़ाई नहीं करता है, हम में से कोई उनकी प्रस्तुति नहीं करता है, तो फिर मुकद्दसा मरियम को क्यों? यीशु की मां जरूर है, इज्जत के वाजिब जरूर हैं, लेकिन सजदे के नहीं, क्योंकि सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। हमारी पेशानी सिर्फ और सिर्फ खुदा को सजदा करने के लिए बनी है, हमारी जबी सिर्फ और सिर्फ खुदा के आगे झुकने के लिए बनी है। जो मेलों पे जाते हैं, बुतों के आगे झुकते हैं, ये सारी की सारी वो बातें हैं जो खुदा को पसंद नहीं है। मरियम ने खुदा की जात में पेश की, कहीं ये नहीं कहा कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मेरे लिए मेले लगाएंगे। गीत में कहीं नहीं कहा कि अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे सजदा करेंगे, अब से लेकर हर जमाना के लोग मेरे कुर्ते बनाएंगे, मेरे बुत बनाएंगे और मेरी प्रस्तुति करेंगे। जी नहीं, उसने अपनी का आगाज, उसने अपने गीत का आगाज खुद खुदा की तारीफ करते हुए किया, साबित किया तारीफ के लायक सिर्फ खुदा है, बड़ाई के लायक, प्रस्तुति के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है। वेक अप चर्च में आइए, अगर आपके रिश्तेदारों में, अगर आपके दोस्तों में, अगर आपके जानने वालों में, अगर आपकी जॉब प्लेस पे ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे कामों में पड़े हैं, ऐसे मेलों में जाते हैं, आगे झुकते हैं, उनसे मांगते हैं कि अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए, के साथ नरमी के साथ खुदा के कलाम से उनको पढ़ के बताइए कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। एक और बड़ी खूबसूरत बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस जमीन पर रहकर हर वो काम किया, अमली तौर पे हमें करके दिखाया कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। सलीब के मुकाम पर, ओहे कलवरी के मुकाम पर खुदावन यीशु मसीह ने 7 कलमे मुबारक मुंह से अदा किए, और उन 7 कलमों में से एक कलमा सिर्फ उसकी मां से रिलेटेड था। आप जानते हैं कि वो कलमा क्या था? अपने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ, माँ से ये कहा कि देख तेरा बेटा। पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है, वो लोग मुकद्दसा मरियम से मांगते हैं कि वो हमारी दरख्वास्तों को पूरा करे, वो हमारी दुआओं को पूरा करे, हमारी दुआओं का जवाब हमें दे। लेट मी टेल यू क्लियरली, आज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ खुदा के पाक कलाम में से, क्यों यीशु मसीह ने 7 कलमों में से एक कलमा माँ के लिए बोला। सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि वो एक इंसान है, वो जरूरत है कि कोई उनकी देखभाल करे, टेक केयर करे, कोई उनकी जरूरतों को पूरा करे, कोई ऐसा शख्स जिसको खुद जरूरत है कि कोई दूसरा उसकी देखभाल करे, कोई दूसरा उसकी टेक केयर करे, वो कैसे आपकी दुआओं का जवाब आपको दे सकती है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से एक जुमला बोला, एक स्टेटमेंट दी, बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदावन्द यीशु मसीह ने ये कहा, जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए, मसीह के नाम से आपने बाप से मांगना है, नाम से आपने बाप से दुआ नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के नाम से आसमानी बाप से मांगना है।
क्योंकि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये तालीम दी है। मुकद्दसा मरियम के नाम से खुदा से नहीं मांगना, दूसरे सेंट्स को, दूसरे रसूलों को, दूसरे नबियों के नामों से हम खुदा से कुछ नहीं मांगते हैं। कभी ऐसी दुआ नहीं सुनी कि किसी ने कहा हो कि मुझे मूसा के नाम से दुआ की हो कि अबरहाम के नाम से मुझे कुछ दे दे, इजहाक के नाम से मुझे कुछ दे दे। हाँ, हम उनको कह के जरूर याद करते हैं, अपने खुदा के नाम को ये कह के याद करते हैं कि वो अबरहाम, इजहाक और याकूब का खुदा है। आज मैं ये भी आपको बार बार कराना चाहती हूँ कि उस दुआ में एक और नाम भी ऐड कर लीजिए, और वो नाम आपका अपना है। मेरे साथ मिलके आपने अपना नाम लेना और कहना है, वो खुदा है जो अबरहाम, इजहाक, याकूब का खुदा है। जब आप दुआ में ये जुमला बोलते हैं तो अपना नाम भी साथ ऐड किया कीजिए, क्योंकि जितना वो मूसा का खुदा है उतना ही वो आपका भी खुदा है। प्यार वो शायद मूसा से करता था, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो आपसे भी करता है। सूरत खुदा की हथेली पे खुदी हुई है, अपनी आंख की पुतली से भी ज्यादा अजीज जानता है। मेरे अजीजों, इस मदर्स डे पे वो सारी कंफ्यूजन, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो अगर हमारे माइंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी गोशे में मौजूद हैं, उनको आज क्लियर कीजिए। वो मुकद्दसा हैं, जरूर हैं। वो हमारे यीशु की माँ हैं, जरूर हैं। इज्जत के लायक हैं, जरूर हैं। सजदा सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है, प्रस्तिश सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। खुदावंद आपके साथ हो। सलाम का फिर इसी बात पे करूंगी, अगर आपकी माँ हयात है कीजिए, उनकी फरमा बरदारी कीजिए, उनसे प्यार कीजिए और दिल से प्यार कीजिए, उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखिए। बेटा सलीब पे था लेकिन उसको अपनी माँ की फिक्र थी, और योहन्ना की इंजील में लिखा है कि उसी रोज शागिर्द उसको अपने घर ले गया। उनकी केयर कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनकी फिक्र कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। हर एक को मदर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद आप सबके साथ हो, और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको उम्र दराज अता करे, आपका साया अपने बच्चों के सर पर मौजूद रहे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और हम सब अपने बच्चों के बच्चे देखें, उनकी खुशियां देखें। आमीन। खुदा का शुक्र हूँ। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा की आत्मा के लिए, और खूबसूरत कलाम जो खुदा की आत्मा के वसीले से हम तक पहुँचा। इब्रानियों का खत उसका चौथा बाब। मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल फिरौतनी और हिल्म के साथ, तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की यगानगी सुलह के बंद से बंधी रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाए, इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से
मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्ता होकर और गठकर उस तासीर के मुआफिक जो बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदावंद में जताए देता हूँ कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहुदा ख्यालात के मुआफिक चलती हैं, तो आइंदा को उस तरह ना चलना, क्योंकि उनकी अकल तारीख हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज हैं। उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया, ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुआफिक जो यीशु में है उसी की सुनी और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीजगी में पैदा की गई है। बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज्व हैं। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी ना रहे और इबलीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे। मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर व गुल और बदगोई, हर किस्म की बदगाही समेत तुमसे दूर की जाए, और एक दूसरे पर मेहरबान और नर्म दिल हो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर मुआफ किए हैं, तुम भी एक दूसरे के कसूर मुआफ करो। आमा में से कुजात की किताब उसका दूसरा बाब। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकाल कर उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी ले आया, और मैंने कहा कि मैं हरगिज तुमसे अहद शिकनी नहीं करूंगा, और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, बल्कि तुम उनके मजहबों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा ना करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ता ने सब बनी इसराइल से ये बातें कही, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने इस जगह का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। और जिस वक्त यशुआ ने जुमात को रुखसत किया था, तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी में रहा था, ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे, और वो लोग खुदावंद की प्रस्तिश यशुआ के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे जो यशुआ के बाद जिंदा रहे, और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए देखे थे। और नून का बेटा यशुआ खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया, और उन्होंने उसी की मेरास की हद पर तिमनत हिर्स में इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में जो कोहे जास के शुमाल की तरफ है उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली, और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की प्रस्तिश करने लगे, और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्के मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने लगे और उनको सजदा करने लगे, और खुदावंद को गुस्सा दिलाया, और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और अस्तारात की प्रस्तिश करने लगे, और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का, और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ जो आसपास थे बेचा, सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े ना हो सके, और वो जहां कहीं जाते खुदावंद का हाथ उनकी अजियत ही पर तुला रहता था, जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी, सो वो नहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बरपा किए जिन्होंने उनको उनके गारतगरों के हाथ से छुड़ाया,
लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी ना सुनी बल्कि और माबूदों की पैरवी में जिना करते और उनको सजदा करते, और वो उस राह से जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फरमा बरदारी करते थे बहुत जल्द फिर गए और उन्होंने उनके से काम ना किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बरपा करता तो खुदावंद उस काजी के साथ होता और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था, इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बाइस कुड़ते थे तो खुदावंद मलूल होता था। लेकिन जब वो काजी मर जाता तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते और उनकी प्रस्तुति करते और उनको सजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुदसरी की रविश से बाज आए। सो खुदावंद का गजब इसराइल पर भड़का और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने इनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से जिनको यशवा छोड़कर मरा है किसी को भी उनके आगे से दफा नहीं करूंगा, ताकि मैं इसराइल को उन्हीं के जरिया से आजमाऊं कि वो खुदावंद की राह पर चलने के लिए अपने बाप दादा की तरह कायम रहेंगे या नहीं। सो खुदावंद ने उन कौमों को रहने दिया और उनको जल्द ना निकाल दिया और यशवा के हाथ में भी उनको हवाला ना किया। कुजात की किताब उसका तीसरा बाब। और ये वो कौमें हैं जिनको खुदावंद ने रहने दिया ताकि उनके वसीला से इसराइलियों में से उन सब को जो कनान की सब लड़ाइयों से वाकिफ ना थे आजमाए। फक्त मकसूद ये था कि बनी इसराइल की नस्ल के खासकर उन लोगों को जो पहले लड़ना नहीं जानते थे लड़ाई सिखाई जाए ताकि वो वाकिफ हो जाए, यानी फिलिस्तियों के पांचों सरदार और सब केनानी और सैदानी और कोहे बाल हरमून से हमात के मदखल तक के सब हवी जो कोहे लिबनान में बसते थे। ये इसलिए थे कि इनके वसीला से इसराइली आजमाए जाएं ताकि मालूम हो जाए कि वो खुदावंद के हुक्मों को जो उसने मूसा की मार्फत उनके बाप दादा को दिए थे सुनेंगे या नहीं। सो बनी इसराइल केनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फर्जियों और हवियों और यबूसियों के दरमियान बस गए और उनकी बेटियों से आप निकाह करने और अपनी बेटियां उनके बेटों को देने और उनके देवताओं की प्रस्तुति करने लगे। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद अपने खुदा को भूलकर बालीम और यसीरतों की प्रस्तुति करने लगे। इसलिए खुदावंद का कहर इसराइलियों पर भड़का और उसने उनको मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रास्ताइम के हाथ बेच डाला। सो वो 8 बरस तक कोशन रास्ताइम के मुती रहे। और जब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने बनी इसराइल के लिए एक रिहाई देने वाले को बरपा किया और कालिब के छोटे भाई किन्स के बेटे गुतनीएल ने उनको छुड़ाया और खुदावंद की रूह उस पर उतरी और वो इसराइल का काजी हुआ और जंग के लिए निकला। तब खुदावंद ने मेसोपोटामिया के बादशाह कोशन रस्ताइम को उसके हाथ में कर दिया। सो उसका हाथ कोशन रस्ताइम पर गालिब हुआ और उस मुल्क में 40 बरस तक चैन रहा और कंस के बेटे गुतनीएल ने वफात पाई। और बनी इसराइल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की। तब खुदावंद ने मोआब के बादशाह अजलून को इसराइलियों के खिलाफ जोर बख्शा, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद के आगे बदी की थी। और उसने बनी अमून और बनी अमालीक को अपने हाथ जमा किया और जाकर इसराइल को मारा और उन्होंने खजूरों का शहर ले लिया। सो बनी इसराइल 18 बरस तक मोआब के बादशाह अजलून के मती रहे। लेकिन जब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदावंद ने बनियामीनी जेरा के बेटे अहूद को जो बैहता था उनका छुड़ाने वाला मुकर्रर किया और बनी इसराइल ने उसकी मार्फत मोआब के बादशाह अजलून के लिए हदिया भेजा। और अहूद ने अपने लिए एक 2-धारी तलवार एक हाथ लंबी बनवाई और उसे अपने जामे के नीचे दहनी रान पर बांध लिया। फिर उसने मोआब के बादशाह अजलून के हजूर वो हदिया पेश किया और अजलून बड़ा मोटा आदमी था। और जब वो हदिया पेश कर चुका तो उन लोगों को जो हदिया लाए थे रुखसत किया और वो आप उस पत्थर की कान के पास से जो जिलजाल में है लौट कर कहने लगा कि ए बादशाह, मेरे पास तेरे लिए खुफिया पैगाम है। उसने कहा, खामोश रह। तब वो सब जो उसके गिर्द खड़े थे उसके पास से बाहर चले गए। फिर अहूद उसके पास आया। उस वक्त वो अपने हवादार बाला खाना में अकेला बैठा था। तब अहूद ने कहा, तेरे लिए मेरे पास खुदा की तरफ से एक पैगाम है। तब वो कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ और अहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दहनी रान पर से वो तलवार ली और उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल कब्जा समेत दाखिल हो गया और चर्बी फल के ऊपर लिपट गई, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद से ना निकाला बल्कि वो पार हो गई।
तब अहूद ने बरामदा में आकर और बालाखाना के दरवाजों के अंदर उसे बंद करके कुफल लगा दिया। और जब वो चलता बना तो उसके खादिम आए और उन्होंने देखा कि बालाखाना के दरवाजों में कुफल लगा है। वो कहने लगे कि वो जरूर हवादार कमरे में फरागत कर रहा है। और वो ठहरे ठहरे शर्मा भी गए और जब देखा कि वो बालाखाना के दरवाजे नहीं खोलता तो उन्होंने कुंजी ली और दरवाजे खोले और देखा कि उनका आका जमीन पर मरा पड़ा है। और वो ठहरे ही हुए थे कि अहूद इतने में भाग निकला और पत्थर की कान से आगे बढ़कर सरीत में जा पना ली। और वहां पहुंचकर उसने इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में नरसिंगा फूंका। तब बनी इसराइल उसके साथ कोहस्तानी मुल्क से उतरे और वो उनके आगे आगे हो लिया। उसने उनको कहा, मेरे पीछे पीछे चले चलो, क्योंकि खुदावंद ने तुम्हारे दुश्मनों यानी मुआवियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। सो उन्होंने उसके पीछे पीछे जाकर यर्दन के घाटों को जो मुआब की तरफ थे अपने कब्जा में कर लिया और एक को भी पार उतरने न दिया। उस वक्त उन्होंने मुआब के 10,000 मर्द के करीब, जो सब के सब मोटे ताजा और बहादुर थे, कत्ल किए और उनमें से एक भी ना बचा। सो मुआब उस दिन इसराइलियों के हाथ के नीचे दब गया और उस मुल्क में 80 बरस चैन रहा। इसके बाद अनात का बेटा शिमजर खड़ा हुआ और उसने फिलिस्तीनियों में से 600 मर्द बैल के पहने से मारे और उसने भी इसराइल को रिहाई दी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन।